भले ही बंदी रक्षक हो, द्वारपाल हो, वो 6 दिनों की कल्पना में अपने ताले क्यों नहीं खोल सकते। चार पंक्तियां 2-3 छंद के रूप में समर्पित कर रहा हूं कि जो धुंधल को में जन्म लेकर भी चेतना की चिंगारियों को पलकों से बीन लेते हैं, जो धुंधल को में जन्म लेकर भी चेतना की चिंगारियों को पलकों से बीन लेते हैं, बुद्धि की कुशलता से बिगड़ी परिस्थिति के घोड़ों को भी कर अपने अधीन लेते हैं, कि जिनकी अदम्यता की प्रौढ़ अटखेलियों से लेने वाली नित्य प्रेरणा नवीन लेते हैं, और वे ही वंदनीय अभिनंदनीय होते हैं जो सत्य की लड़ाई में बड़ाई छीन लेते हैं, वे ही वंदनीय अभिनंदनीय होते हैं जो सत्य की लड़ाई में बड़ाई छीन लेते हैं। तो कैसे हैं वे लोग जिनकी मनीषा की घटा से तापहारी कोई भी विचार नहीं झरते, कैसे हैं वे लोग जिनकी मनीषा की घटा से तापहारी कोई भी विचार नहीं झरते, और कर्मशीलता में कल्पना की तुलिका डूबो जो भावना की भूमि का श्रृंगार नहीं करते, कि कभी उन्हें धरती का भार ही कहेगा जो कि मातृभूमि की व्यथा का भार नहीं हरते, कभी उन्हें धरती का भार ही कहेगा जो कि मातृभूमि की व्यथा का भार नहीं हरते, और लानत हजारों उन पे जो दिन दुखियों की सुन के पुकार हुंकार नहीं भरते, लानत हजारों उन पे जो दिन दुखियों की सुन के पुकार हुंकार नहीं भरते। और अंतिम चार प्रतियां कि वह भी प्रतिज्ञा कैसी है भला जो शत्रुओं के फोड़ के कपाल रक्त काली को पिला न दे, वह भी प्रतिज्ञा कैसी है भला जो शत्रुओं के फोड़ के कपाल रक्त काली को पिला न दे, और कैसे उस उद्यमी का उद्यम सराहे जो कि लक्ष्य हित भूमि आसमान से मिला न दे, उसके परिश्रम की क्या करे प्रशंसा देव, उसके परिश्रम की क्या करे प्रशंसा देव, मरु में जो रम्य पुष्प वाटिका खिला न दे, उसके परिश्रम की क्या करे प्रशंसा देव, मरु में जो रम्य पुष्प वाटिका खिला न दे, और क्या भला उतारे ऐसे यौवन किया।